तरह और रखें कि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त। यदि मैं यह कहूं कि विकास की ऑक्सीजन यदि कोई होती है तो चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में ही बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इस बात पे अच्छी तरह परिचित है। अब तक मैंने किसी न्यूज पोर्टल पर यह बात पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि अब तक 63। तो मेरे भाइयों मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि अब तक 63 का मतलब क्या। मैंने जब न्यूज पोर्टल पढ़ा तो उस न्यूज पोर्टल में यह लिखा हुआ था कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी यहां पर मारे जा चुके। लेकिन जिस तरीके से यह सिलसिला चल रहा ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से किसी को मार दिया। यदि अपराधी यदि पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं, यदि उनकी जिंदगी पर आग गुजरती है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। और जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है मुझे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। और भय और अपराध के वातावरण से मुक्त होकर हमारा यह उत्तर प्रदेश की जनता $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का स्वप्न पाले हुए। और मैं कह सकता हूं कि यहां के मुख्यमंत्री ने वह 17 रोड में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का अच्छी तरह तैयार कर लिया और काम भी उस पर तेजी के साथ चल रहा है। किस तरीके से लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सारी परियोजनाएं